इसमें चिप ना, हम चिप ढूंढ रहे कहाँ है। तो मैं जबरदस्ती ले जाके बिठा दिया, ये सब घोटाला नहीं है और क्या है? ये सब घोटालेबाज लोग हैं, ये शुरू से ये वो आरएसएस के लोग हैं, ये पहले से ही योजना बनाए थे, ये अंग्रेजों के गुलाम थे और ये अंग्रेजी गुलाम लाना चाहते हैं इस देश में। वैसा गद्दा, वैसा पर्दा, वैसा रूम, वो सब उनको कहाँ मिलेगा, आदत पड़ जाती उसकी। सपा बसपा कांग्रेस में हमारा वर्चस्व नहीं रह जाएगा, इसलिए वो भाजपा ज्वाइन करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ सबा खान, आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी ने पूरे देश में भुनाने की कोशिश की, चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन लोकसभा चुनाव में उसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अयोध्या के लिए क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं, अयोध्या के लोग क्या सोचकर इस बार लोकसभा चुनाव की वोटिंग करेंगे, ये जानने के लिए हम इस वक्त अयोध्या आ गए हैं। क्यों सर? मैम, बेरोजगारी और महंगाई, ये मुद्दा हमेशा बना रहेगा, ना कभी ख़त्म होगा, ना कभी ख़त्म हुआ था, ना कभी ख़त्म होगा। उसका रीज़न है हमारे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन। हाँ, तो फिर इसको जनगणना करवा लेना चाहिए, पता चल जाए और उसमें सहभागिता भी पता चल जाए लोगों की। मैम, जनगणना का गरीबी से क्या मायने है? मुझे तो कोई लॉजिक नहीं पता कि जनगणना का गरीबी से क्या मतलब है। जनगणना जातिगत पॉपुलेशन बढ़ गई है तो संभाला जा रहा है। जिस अयोध्या में आप खड़ी हैं ना मैम, यहीं पर कोई भी कार्यक्रम होने पर तुरंत रेड अलर्ट होता था, कुछ भी त्यौहार होता था हर कोई डरा सहमा रहता था। आप आज अयोध्या में 11 बजे आप चलिए और पूरा शहर में आप घूम लीजिए, यहाँ पे हर कोई आपके साथ खड़ा नजर आएगा, चाहे वो किसी भी कौम का हो, किसी भी तरह का हो। हर एक के अंदर एक डर है, हर एक के अंदर आपके प्रति सम्मान है कि अगर आप रोड पे अकेले चल रही हैं तो कोई माई का लाल आप पर आँख नहीं उठा सकता। ये हमारा माहौल बन गया, ये सुरक्षा का माहौल बन गया है। 10 साल देख लिया भाजपा को, आपको लग रहा है भाजपा ने जो कहा था कर दिया? भाजपा ने जो कहा था आप उनके मैनिफेस्टो को उठा के देख लीजिए, 2014 का, 2019 का, उन्होंने 370 की बात कही थी, उन्होंने हटाया। उन्होंने महिला सुरक्षा की बात कही थी, उसमें वो खड़े उतरे। उन्होंने कहा कि हम सुरक्षा लेकर के आएंगे, सुरक्षा आज आप खुद देख सकते हैं, उनके आंकड़े आपको पता चलेंगे। हाँ, गाँव देहात की तरफ जो दबंग व्यक्ति हैं उनके ऊपर भी ऐसा बुलडोजर चल रहा है कि उसके असर बुलडोजर सुरक्षा की बात कर रहे हैं। विपक्ष महिला सुरक्षा पर मणिपुर को भी घेरता है, मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई, मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला, क्या ये नहीं समझ आता? क्या आपको नहीं पता कि 37 दिन के अंदर वहाँ पे कौन से माओवादी बैठे हुए थे? आप कभी सिक्किम गए? सिक्किम तो मैं भी गया हूँ, मणिपुर मैं गया हूँ, मैं टूर गया हूँ, मैं 2 बार वहाँ टूर गया हूँ, वहाँ की स्थिति आपको नहीं पता? वहाँ पे माओवादी काम करते हैं, वहाँ पे सरकार का काम नहीं होता, वो केंद्र शासित राज्य है, वहाँ भाजपा भैया है। जी भाजपा है, लेकिन वहाँ के रूल्स अलग हैं। जिस तरह से अच्छा आप जैसे मणिपुर की बात कर रही हैं, नहीं कर सकती भाजपा, क्या मोदी जी बोल नहीं सकते? वहाँ पे महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जाता है, उस पर बात नहीं कर सकते? हुई है, कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा अपमानजनक था जिस पर निंदा करने के साथ उस पर 37 दिन के अंदर कंट्रोल किया गया। और जिस हिसाब से मणिपुर की बात कर रहे हैं तो उस तरह से जम्मू की भी बात कर लीजिए, वहाँ पे कैसे आतंकवादी थे और आज क्या स्थिति है। आज वहाँ पर G20 का सम्मेलन हुआ, वो नहीं नजर आ रहा है। मणिपुर की घटना बिल्कुल निंदनीय है, लेकिन वो सम्मेलन क्या हुआ, क्या हो गया G20 सम्मेलन से बताइए? G20 के सम्मेलन में मैम आंकड़े उठा के देख लीजिए कितना इन्वेस्टमेंट आया। और G20 एक मिसाल थी कि जिस जम्मू में, जिस श्रीनगर में कहा जाता था कि यहाँ पर भारत का ध्वज नहीं लहराया जा सकता, वहाँ पे 26 देशों के ध्वज लहरा रहे थे एक साथ, नतमस्तक होकर के भारत के आगे वो लहरा रहे थे। ये जो लहरा रहे थे, ये जो सब दिखा रहे थे, चमक धमक दिख रहा था, ये किसका पैसा है? पैसा तो जनता का है, लेकिन सुरक्षा महंगाई इतनी चरम पर वो नहीं। महंगाई कहाँ है मैम, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए महंगाई कहाँ है? हमारे शौक महंगे हैं, आपके परिवार में अगर 4 लोग हैं उनका 2 टाइम का खाना, 2 टाइम का नाश्ता 150 रुपये में होता है, लेकिन 1000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति भी अपना घर नहीं चला पाता। क्यों? क्योंकि उसके बच्चे को आईफोन चाहिए, उसके बच्चे को अपाची बुलेट चाहिए। तो कहाँ है महंगाई? महंगाई नहीं है, शौक महंगे हैं, शौक महंगे हैं। महंगाई की जिम्मेदार भी जनता ही है। महंगाई की जिम्मेदार, महंगाई तो है ही नहीं ना, मैं कह रहा हूँ शौक बढ़ गए हैं। मैं भाई साहब, शौक सिलेंडर महंगा हो गया था मोदी के राज में 450 रुपए का, क्या बात कर रहे हो? बता तो रहे शौक महंगे पड़ गए। आप पकवान ज्यादा बनाएंगे, अच्छे अच्छे पकवान बनाएंगे तो गैस नहीं जाएगी? क्यों, पहले भी तो बनता था पकवान। हाँ। तो गैस ईरानी जी ने बोला था सिलेंडर रख के, हाँ, जब 450 था, जो 7000 रुपए कमाएगा कैसे बैंक बैलेंस करेगा? तो रहे भाई साहब के शौक बढ़ गए। बड़ी दुकान है इनकी, बड़ी दुकान है, कोई क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? आप बोलो, अगर पत्रकारिता कर रही हो तो सबसे पूछो कि क्या स्थिति है। एक आदमी से पूछने से क्या है, सभी से पूछ रहे हैं। रोजगारी इतनी चरम सीमा पे है और इस देश की
अगर इलेक्ट्रॉन बांड का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है और इतना कुछ हुआ है कि इस जैसी सरकार कोई है ही नहीं, इतनी निकम्मी सरकार है, इसने पूरे देश को बेच, वो तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर हम काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को जेल भेज दिया, बेच देगा इसको, नीलाम कर देगा, गुलाम हो जाएगा। अगर 5 साल और रह गई 24 में, अगर ये सब जो दुनिया भर का वो हो रहा है, ये वोट किसको दो जाएगा उसको, आप देखो तमाम तरह के घोटाले हो रहे हैं। और इतना बड़ा इलेक्ट्रॉल घोटाला हुआ, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, ये घोटाला, हाँ इलेक्ट्रॉल बॉन्ड घोटाला हुआ, इससे बढ़ के घोटाला कोई है ही नहीं। सारे पूंजीपतियों को उन्होंने गेम खेला, सबको काम दिया, पैसा दो गेम खेलो, ले जाओ काम। आम आदमी कहाँ, बेरोजगारी इतना है आज उसको खाने को नहीं मिल रहा है, पहले से बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, बहुत परेशान है लोग। हर लोगों की स्थितियों के बारे में आकलन करो तो अभी पता चल जाएगा आपको, एक आदमी से पूछने से क्या होता है। भाई साहब तो कह रहे हैं कि लोगों के शौक बढ़ गए हैं, महंगाई कहाँ है, जब शौक बढ़ेंगे तो महंगाई तो बढ़ेगी। महंगाई बढ़ी है, किसी को जब अर्निंग पर्सन करेगा तभी ना खर्चा करेगा, जो उसके पास अर्निंग का कोई जरिया ही नहीं है तो कहाँ से करेगा, ये कौन सी बात है। आप रोजगार तो ले आए हैं, सारे देश के झंडे लहरा रहे हैं, देश तो खाए हैं, क्या क्या हुआ आपने नहीं देखा, क्या क्या हुआ देखा नहीं आपने, हमें बताने की क्या जरूरत। 500 रुपए कमाने वाला शख्स उससे जाके पूछिए कि उसका शौक क्या है। इन्होंने कहा एक मिनट भाई, इन्होंने एक चाचा चाचा कूल डाउन, जैसे इन्होंने कहा कि शौक बढ़े हैं, ठीक है, 500 रुपए कमाने वाला शख्स जाके एक जो गरीब इंसान है जो सुबह से लेके शाम तक मेहनत करता है उसको 500 रुपए मिलता है, उससे जाके पूछ लो इसको बेटा कौन आईफोन ले रहा है, कौन क्या ले रहा है, कौन कितनी महंगी शौक पूरी कर रहा है। इन्होंने कहा ना कि शौक बढ़ी है, शौक कल भी थी, शौक जिसका था शौक कल भी थी, शौक आज भी है, लेकिन हाँ जो शौक पालता है उसकी औकात वाले शौक पालते हैं, नॉर्मल आदमी शौक नहीं पालता, ये मेरा कहना है। नफरत की राजनीति आज इतनी जबरदस्त है, हर के दिलों में मतलब नफरत भर गया है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, हर लोग परेशान है, कोई एक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हिंदू भी परेशान है, वो भी त्रस्त है, मुसलमान तो त्रस्त है, मुसलमान को टारगेट किया जाता है वो तो अलग बात है, वो बेचारा चुप है, वो तो घुसपैठी है, मोदी जी बोल रहे हैं। क्या कौन कहता है घुसपैठी है, हमें घुसपैठी है, तुमने अगर विपक्ष को चुन लिया तो आपके आपके बीवियों के, आपके घर में महिलाओं के मंगल सूत्र दे देंगे, ये तो वक्त बताएगा हम क्या हैं कैसे हैं, वो वक्त बताएगा, आओ करो ऐसा, हम तो यहाँ के हमारे बाप दादा पुरदादा इनहेरिटेटेड हम यहाँ रह रहे हैं, आओ तुम CAA लेके NRC लेकर के कुछ भी लेके आओ, क्या करोगे, जिस दिन हद हो जाएगा, पानी ऊपर से बहने लगेगा, वो ये हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं रहेगा, आप जाके नोट कर लेना, लोगों के अंदर बहुत दिलों में बहुत गुस्सा भरा हुआ है, पब्लिक के अंदर क्या है वो आप अभी जान नहीं पाओगी, कोई बता नहीं पा रहा है, वरना हिंदू हो या मुसलमान सब परेशान है, मैं कहता हूँ ये मेरा अपना चैलेंज, आप एक से एनालिसिस कर लो, कोई अगर 100 में आपको 90 लोग जो हैं परेशान बताएंगे, 10 लोग भले कैसे भी हों वो उनके बंदे हैं वो बोलेंगे जी बताएं। ये अच्छा वैसे तरीका है, जब आप मुद्दों पर बात नहीं कर सकते तो उसको जातिगत हिंदू मुसलमान पे ले आइए, ले आएंगे हाँ। जिस तरह आलू से सोना बनाने वाला बात होती है ना, बातों को घुमाना, इस तरह मोदी जी ने कहा था कि विदेशों में स्विस बैंक में इतना पैसा जमा है कि अगर वो वापस आ जाए तो हर एक के खाते में 15 लाख आ सकते, जस्ट एग्जाम्पल था, उन्होंने ये नहीं बोला था कि मैं ले आऊंगा 15 लाख डाल दूंगा। भाई कितने लोग तो अकाउंट खुलवा लिए थे, तो कुछ भी खुलवाए ना, अकाउंट खुलवाने वाले थे कौन, बोल दिया गया अकाउंट खुलवाने वाले थे, अकाउंट खुलवाने वाले थे कौन, जो समझ एक मिनट, नोटबंदी का रीजन बता दीजिए मैम, वो काला धन आएगा विदेशों से आएगा मैम, इतने बड़े मैम मोदी जी को लाने का मौका भी तो दिया गया था खाते में काला धन लाने के लिए, तो क्यों नहीं लेके आए काला धन, उनको 10 साल दिया गया है ना, लेके आना चाहिए उनको, जवाब दीजिए भाई साहब। काला धन लाने की बात कर रहे हैं, उसके लिए पूरा प्रोसीजर चल रहा है, उतने बड़े अर्थशास्त्री यहाँ पर नहीं बैठे हैं कि कैसे आ जाएगा काला धन, काला धन आने का तरीका होता है मैम, काला धन पे लगाम लगाने के तरीका नहीं मिला भाजपा, क्यों मैम आपको नहीं लगता कि नोटबंदी के पास जो गैप बना था, कितना पैसा मार्केट में गया, कितना पैसा आया, उसका आंकड़ा निकाल लीजिए पता चल जाएगा, और कितने लोग परेशान थे उनका आंकड़ा निकाल लीजिए पता चल जाएगा। चिप तो मैम किसी ने इसमें चिप ना, हम चिप ढूंढ रहे कहाँ है, तो वो तो मैम सुनिए मैम, वो तो चिप जिसने कही है इसमें चिप था, जरा हम भी देखें इसमें चिप कहाँ है, तो मैम और नोट एक मिनट मैम चिप वाली बात तो समझदार आदमी करे, 2000 का नोट, अगर 2000 का नोट बंद क्यों हुआ, 2000 का नोट बंद क्यों हुआ,
इसका रीजन बता दिए, नोटबंदी का रीजन बता दो क्या है। इतने बड़े अर्थशास्त्री तो ना आप है, ना हम है, ना मैं आप है। मैडम जो होटल वाले जीएसटी ले लेते हो क्यों नहीं देते, हम लोग से ले लेते हैं खट्टे से। कहाँ देते हैं, 500-600 रुपया देते हैं हर खाने पे, सट्टे से ले लेंगे 100 रुपए 30 रुपए। ये सब गरीब आदमी तो ले रहे हैं, होटल में जा रहे हैं, अपना लोग क्यों नहीं दे रहे हैं। लोकसभा सूरत का इलेक्शन हो रहा है, उसमें पर्चे भरे जा रहे हैं, सारे लोगों के पर्चे खारिज करके उसको मतलब जिता दे रहे हैं। वहाँ पे जाल नहीं सुनिए, और वहाँ पे मेयर का चुनाव हुआ, मेयर का जबरदस्ती ले जाके बिठा दिया। ये सब घोटाला नहीं है और क्या है, ये दुनिया भर का वो आतंकवाद। ये पैसा कहाँ से आ रहा है उनसे पूछिए। ये पैसा जो निर्विरोध चुनवा रहे हैं सरकार को, जो पार्षद बना रहे हैं और मेयर बना रहे हैं, तो पैसा कहाँ से आ रहा है। चंदा नहीं मिलता क्या? चंदा को चंदा इलेक्ट्रॉनिक बाल का आपने खुलासा देखा, चंचूर जैसा व्यक्ति आज ना होता तो देश वाकई में गुलाम हो जाता और संविधान की धज्जियां उड़ जाती। संविधान को ये पूर्व बहुमत लाकर अपना संविधान लाना चाहते हैं, ये अपना संविधान लागू करना चाहते हैं। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो कानून बना दिया समता मूलक सारे समाज को, चाहे पिछली जात का हो, अगली जात का हो, चाहे पिछली जात का हो, चाहे अनुसूचित जात का हो, चाहे जनजात का हो, सबको मालूम बराबर का हिस्सा दिया। समझ रही मैडम, ये सब घोटालेबाज लोग हैं, ये शुरू से ये वो आरएसएस के लोग हैं, ये पहले से ही योजना बनाए थे, ये अंग्रेजों के गुलाम थे और ये अंग्रेजी गुलाम लाना चाहते हैं इस देश में। बस वाले एक लाइन, जैसा बाबूजी ने कहा शब्दों पे मैं ध्यान देता हूँ कि सारे लोग निर्विरोध चुन लिए जा रहे हैं, मात्र एक सूरत में निर्विरोध चुन लिए गए। उसका रीजन ये कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी था उनके 5 प्रस्ताव, बाबूजी जानकारी रखिएगा, उनके जो 5 प्रस्तावक थे उन्होंने साफ कह दिया कि मैंने साइन नहीं किया, वो मेरे फेक साइन है, और उनको फिर मौका दिया गया कोर्ट में पेश होने का, वो पेश नहीं हुए, इसीलिए उनका पर्चा खारिज हो गया। जिस वजह से निर्वाचन आयोग को संज्ञान नहीं लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान नहीं लेना चाहिए। तभी तो उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे सारे प्रत्याशी पीछे कैसे हट सकते हैं। इसीलिए तो केवल एक ही ना 500 कुछ लोकसभा में प्रत्याशी ऐसे अचानक से पीछे कैसे हट जाते हैं। मैम एक बात बताइए, पर्चा खारिज होने का प्रावधान अपने यहाँ है ना, रूल है ना, उसी रूल के तहत अगर वजह क्या है इसकी, तो उनके प्रस्तावक ने मना कर दी कि उनसे मना क्यों। यही तो सवाल है देश भर में, कांग्रेस यही तो देश सवाल उठा रहा है, जाने ना कि घोटाला कैसे किया जाता प्रस्तावक में भी। और दूसरी चीज मैम बताए, पार्टी कैसे जानेगी जब भाजपा, अगर कोई भी प्रत्याशी या कोई भी नेता विपक्ष का रहता है वो भाजपा चला जाता है तो पार्टी रोक पाती है उसे। एक पर्चा आपको पता है कि विपक्ष के कितने नेता भाजपा में चले गए। मैम एक लोकसभा पर 5 प्रत्याशी होते हैं, एक मिनट, एक लोकसभा पर मिनिमम 5 प्रत्याशी होते हैं, मिनिमम 500-2750 करीब। क्या वजह रहती है कि जो विपक्ष के नेता हैं, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री, वो कैसे भाजपा में चले जाते हैं, क्या वजह होती है जो चले जाते हैं, क्या फायदा मिल जाता है। नीतियाँ दृष्टिकोण, उनको सुख जो सुख वो एक बार भोग लेते हैं उसको बार बार भोगना चाहते हैं, वैसा गद्दा, वैसा पर्दा, वैसा रूम, वो सब उनको कहाँ मिलेगा, आदत पड़ जाती उसकी, गांव में रह नहीं पाएंगे, इसलिए सपा बसपा कांग्रेस में हमारा वर्चस्व नहीं रह जाएगा, इसलिए वो भाजपा ज्वाइन करते हैं। बाकी रही बात, टैक्स लगा दिए दही पे, टैक्स लगा दिए खाने पीने पे, आज तक टैक्स लगा था। हाँ महंगाई थोड़ा कम होनी चाहिए, बस सारे गरीब अमीर सब महंगाई से परेशान है, उस पर उनको कंट्रोल करना चाहिए, और तो गरीबी अमीरी सब चलती रहेगी। सिलेंडर कहाँ ज्यादा है, तरक्की कर रहा है देश। हाँ देश तरक्की कर रहा है, मगर मैं महंगाई है, दो पैसा कमाने दो। लगता है जो आप मुद्दे उठा रहे हैं इस बार वो कारगर साबित होंगे। बिल्कुल साबित होंगे, और अब की बार इस सरकार को जाना है, 101% जाना है। मैं नहीं कह रहा हूँ ये लोगों को 400 पार जाएंगे, 400 नहीं, ये 200 के अंदर अगर न सिमट गए तो कहना, ये 200 खाली जबरदस्ती बेईमानी से ले आएंगे, अगर ले भी आए तो इनको जाना है, अब की अगर नहीं गए तो भी नहीं आएंगे, तो ये पूरे संविधान एकदम ध्वस्त कर देंगे। अगर अब की नहीं गए, मतलब गलती से आ भी गए, तो पूरे संविधान को ध्वस्त कर देंगे। हाँ और ये दोनों तड़ी पार है।
तो हम ये जानना चाह रहे थे कि पूरे देश में जो राम मंदिर एक मुद्दा है, एक चुनावी माहौल राम मंदिर के नाम पर बनाने की कोशिश हो रही थी, वो ज्यादा प्रभावित अब नजर नहीं आ रहा है। राम मंदिर बनना था, मन गया, लेकिन वो जो रंग रूप देना चाह रही थी भाजपा, वो हो नहीं पाया। तो हम अयोध्या आ गए देखने के लिए कि देश में तो इसका बहुत बड़ा असर दिखाई नहीं दे रहा है, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्टेट में, तो क्या अयोध्या में इसका क्या असर है, क्या मुद्दे हैं, क्या सोचकर लोग वोटिंग करेंगे। और ये जो बहुत सारे जो मुद्दे आपने यहाँ पर सुने, जो ज़रूरी हैं, रोजगार है और महंगाई है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आपने देखा इलेक्टोरल बॉन्ड जो लोग कहते हैं कि जगह जगह पर गांव-गांव या अलग अलग शहरों में नहीं पहुंच पा रहा है, वहां पर यहां पर ये भी जागरूकता है, लोग समझ रहे हैं। भ्रष्टाचार जो भाजपा दावा करती है कि भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से है और सारे भ्रष्टाचारी जेल पहुँच गए, इसका असर कितना और किस हद तक ज़मीन पर देखने को मिलता है, बस यही यहाँ पर जानने की कोशिश की हमने। देखते रहें मेरी पड़ताल।